कि भाई कार्बन जो होता है वो एक लैटिन वर्ड से आया है कार्बो, जिसका मतलब होता है कोल, कोयला। और जो भी चीज कार्बन से बनी होती है वो सच में बिल्कुल कोयले जैसी काली होती है ना, क्योंकि कार्बन हमारा काला होता है। तो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है कोल, कोयला, कार्बन। तो ये कार्बन भाई हमने पढ़ा भी है ऑकरेंस ऑफ कार्बन, कि कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है भाई। कार्बन की अगर बात करें ऑकरेंस की, तो कार्बन एटमॉस्फेयर में हमारे पाया जाता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। अकेला नहीं होता है वो, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एयर में, जो 0.03% हमने देखा है कि 0.03% पाया जाता है एज अ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कंबाइंड स्टेट में। यानी कि अकेला नहीं, फ्री नहीं, किसी के साथ, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ है ना। तो एटमॉस्फेयर में हमको मिलेगा, एयर में हमको मिलेगा CO2 के प्रेजेंस में। इसके अलावा जमीन के नीचे से मिनरल के फॉर्म में मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, जिसका चौक बनता है बेटा, चौक ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। इसके अलावा मार्बल, हमारे घरों का जो फर्श होता है मार्बल, वो हो गया, लाइमस्टोन, है ना। तो ये सारी चीज़ें कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अलावा कैलामाइन, जिंक कार्बोनेट, इसको बोलते हैं हम लोग कैलामाइन, ठीक है, कैलामाइन। इसको तो आप लोग जानते हैं बच्चों, लाइमस्टोन बोलते हैं हम लोग, चूना पत्थर, लाइमस्टोन। तो देखो यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। तो जमीन के अंदर ये मिनरल के फॉर्म में मिलता है, मतलब पत्थर के रूप में मिलता है, वहाँ से ये जो है ना कार्बन निकाला जाता है। और इसका इस्तेमाल तो मैंने बताया, चौक में, मार्बल में, ये सब क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अलावा और अगर हम बात करें हम, तो बच्चों जो फॉसिल फ्यूल निकलता है ना, फॉसिल फ्यूल आप सब जानते होंगे सर क्या। अरे वही बेटा जो आज से बहुत दिन पहले क्या हो गया था, सारे के सारे प्लांट्स, है ना, मर गए थे प्लांट्स जो है ना, पूरा पूरा प्लांट्स जब जमीन के अंदर दब गए थे, तो जमीन के अंदर दबने की वजह से वो किस में बन, किसके रूप में फॉर्म हो गए, या तो कोयला बन गया, या तो पेट्रोल बन गया, है ना, ये सब बन गया, उसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल की अगर मैं बात करूँ, तो भाई कोल के फॉर्म में, है ना, कोल के फॉर्म में, या आप बोल लो पेट्रोलियम के फॉर्म में, पेट्रोल के फॉर्म में, है ना, पेट्रोलियम में सब आएगा, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सब के अंदर कार्बन होता है ना। जो अभी गैसेस है ना, CNG गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस, उसके अंदर भी क्या है हमारा, उसके अंदर भी कार्बन होता है, मतलब उसके अंदर एक कंपाउंड होता है कार्बन का, जिसको बोलते हैं ब्यूटेन, C4H10, तो वहाँ भी कार्बन होता है। मीथेन गैस हमारा, मीथेन गैस, गोबर गैस जिसको बोलते हैं हम लोग, बायोगैस जिसको बोलते हैं, उसमें हो CH4, उसमें भी कार्बन है। इसके अलावा कार्बोनेशियस सब्सटेंसेस, कार्बोनेशियस न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो भी अपन खाते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स ले लो आप, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, उसको बोलते हैं हम लोग कार्बोनेशियस न्यूट्रिएंट्स, मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट्स, ऐसे खाने की चीज़ जिसमें कार्बन है। क्या क्या भाई, कार्बोहाइड्रेट ले लो आप, या प्रोटीन ले लो, या फैट ले लो, है ना, जो भी चीज़ें हैं बेटा, इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर भी कार्बन है ना। तो भाई जहाँ चाह जा जहाँ जाओगे हमें पाओगे, वो वाली बात होगी। खैर, तो ये सब रिकॉल कर दिया मैंने कि भाई कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है, आप बोल सकते हो इसको ऑकरेंस ऑफ कार्बन, ऑकरेंस ऑफ कार्बन, कि भाई कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है। अगर मैं बात करूँ फ्री स्टेट की, फ्री स्टेट की मतलब अकेला सिर्फ कार्बन हो, बाकी कुछ ना हो, है ना, यानी कि ऑकरेंस ऑफ कार्बन फ्री स्टेट, मतलब सिर्फ कार्बन हो, यहाँ देखो कंबाइन था, मतलब कार्बन के साथ कुछ ना कुछ था, अकेला सिर्फ कार्बन हो, तो वो है हमारा डायमंड, डायमंड, है वो है हमारा ग्रेफाइट, है ना। उसके बाद नया रिसेंटली डिस्कवर हुआ है बकमिंस्टर फुलरिन, या फुलरिन बोल, चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे क्या है, एक एक करके, ठीक है। तो ये सब में क्या होता है हमारा, पूरा पूरा जो है ना फ्री स्टेट में होता है। तो ये डायमंड और ग्रेफाइट और फुलरिन में आपको 99% जो है ना एकदम क्या मिलेगा, आपको कार्बन मिलेगा, तो फ्री स्टेट में कार्बन। तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से ही बना होता है डायमंड, सिर्फ और सिर्फ ग्रेफाइट, डायमंड, ग्रेफाइट जो है कार्बन से ही बना होता है, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरिन हो गया, ये सब सिर्फ डायमंड से बने होते हैं।